हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, 15 अगस्त है आज, तो आज हमने सोचा कि आपके लिए कुछ तिरंगा सी रेसिपी बना देते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलवा पूरी की रेसिपी, वो भी तिरंगा करके बनाएंगे हम इसको। और जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी बनेगी। चलिए बिस्मिल्लाह करके अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। हमने एक बाउल में 1 कप हमने डाला है मैदा और 1/2 कप डालेंगे हम इसके अंदर गेहूं का आटा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी ये पूरियां बना सकते हैं, ये गेहूं के आटे से भी बन जाएंगी। फिर हमने इसके अंदर डाली है 1 चुटकी हमने उसके लिए अजवाइन की, उसको हमने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। और 2 चम्मच डालेंगे हम, ये डालेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल के, खाने का जो चम्मच होता है, इससे ये थोड़ी सी क्रंची सी बनती है पूरी, सॉफ्ट नहीं रहती, इससे ये थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। अब इसे अच्छे से हम हाथों से मस लेंगे ताकि जब तक ये मुट्ठी नहीं बन जाती। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी को हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत लगेगी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। इसके अच्छे से डो तैयार कर लेनी है हमें, इसकी थोड़ी सॉफ्ट सी डो बनानी है। ये हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके 3 पेड़े बना लेंगे। 3 भाग में हमने इसको कर लिया है क्योंकि हमें तिरंगा बनाना है, उसमें 3 कलर होते हैं, इसलिए हमने इसके 3 पेड़े बनाए हैं। 1 पेड़ को हम करेंगे इसके अंदर ऑरेंज कलर। हमने एक थोड़े से ग्लास के अंदर पानी के साथ थोड़ा सा ऑरेंज कलर घोल लिया था, उसको हमने थोड़ा सा ही डाला है इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मस लेंगे ताकि ये ऑरेंज हो जाए हमारी डो। बहुत अच्छी तरीके से हमें मसलना है, हमें आटा कहीं से सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे इसे हाथों की मदद से। हमने इतना खूबसूरत कलर है इसी तरह से हमने ग्रीन कलर को घोल के रख लिया था और इसको भी हम अपनी डो के अंदर मिलाएंगे और इसका भी अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे ग्रीन कलर का। इसको भी हम ऐसे ही मस लेंगे हाथों से। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कलर आएगा इसका। ये देखिए हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी ये तीनों डो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे, हमें इन्हें 1/2-1 घंटा छोड़ देना है ऐसे ही। अब हम अपने हलवे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने 1 कप सूजी ली है, इससे हमें तीनों कलर का इसी से हलवा बनाएंगे और 1 ही कप हमने इसके अंदर तेल का लिया था, उसके अंदर हमें बादाम फ्राई करने हैं अपने। जब तक ये चटकेंगे नहीं जब तक हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हमें इसको जलाने नहीं है, बस हमको हल्के से ऐसे ही करना है। देखिए हमने निकाल ली है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब इसके अंदर हम सूजी भूनेंगे, 1 कप सूजी थी, हम इसको भून लेते हैं, सारी सूजी हम एक साथ भून लेंगे और सूजी को बिल्कुल हल्का कलर रखना है सूजी का, ज़्यादा तेज़ नहीं भूननी है हमें इसको, वरना हमारा तिरंगा कलर अच्छा नहीं आएगा। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें, से थोड़ा सा लाइट कलर रखना है इसकी सूजी का हमें। ये देखिए सूजी हमारी भुन गई अच्छे से, थोड़ा सा हमें इसको और भुनना है। अब इसको हम निकाल लेंगे, हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं कराया, इसको थोड़ा सा लाइट कलर में रखा है हमने सूजी को। ये हमने निकाल लिया है। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालकर ग्रीन कलर का बनाएंगे सबसे पहले हम, तो हमने उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली है, इससे थोड़ा सा इसका फूड कलर में जो थोड़ी करवाहट सी होती है इससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और जो हमने पहले सूजी भूनी थी उसको हम ग्रीन कलर में डालेंगे ताकि हमारा हलवा ग्रीन हो जाए। और इसको हम अब फ्राई करेंगे, हमें जितना भी फ्राई करना है इसको थोड़ा सा और भून लेंगे इसको, जो हमारा थोड़ा सा कच्चापन रह गया था हलवे में, अब इसके साथ ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे एक डिश के अंदर। हमने पहले ही ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया था, इसके अंदर हम अपने ग्रीन हलवे को सबसे पहले सेट करेंगे।
अब हम बनाएंगे ऑरेंज कलर का। अब इसको भी हम ऐसे ही पकाएंगे जैसे हमने वो वाला हलवा बनाया है हरा, ऐसे ही हमें ये करना है। इसी को इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच चीनी के, थोड़ी सी हम और डालेंगे। आपको जितना मीठा रखना है आप चीनी उसके हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे अपने हलवे को जो हमने पहले भून के रख लिया था। अब इसको भी हमें इसे ऐसे ही पकाना है सेम जैसा हमने वो पकाया था। ये हमारा वाइट कलर का बनकर तैयार हो रहा है। इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। देखिए हमारा भुनता हुआ आ रहा है ये हलवा। इसको भी हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट कलर ये रखना है इसका। देखिए बहुत अच्छे से पक गया ये। इसको ऐसे ही पका लेना है हमको चलाते चलाते। ये देखिए हमारा थोड़ा सा ठीक होता हुआ आ रहा है ये। इसको इसी तरह से अच्छे से हमें भून लेना है। इसका मतलब ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें इसको। ये हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी ग्रीन वाले के ऊपर ऐसे ही जमा देंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके हमें ऐसे ही दबाना है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर दिया है बहुत अच्छी तरह। अब इसने ऑरेंज वाले को ऐसे ही बनाएंगे। हमने थोड़ा सा पानी लिया है 1/2 कप और इसके अंदर हम डालेंगे 2-3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चीनी के और इसको मेल्ट होते ही इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर डाला है हमने जिससे इसका कलर ऑरेंज ऑरेंज आएगा और देखने में भी हमारा हलवा अच्छा लगेगा। आप इसका कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं डार्क या थोड़ा सा लाइट। हमें थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगा, हमने थोड़ा सा डार्क करके हलवा बनाया। और जो बचा हुआ हमारी सूजी थी भुनी हुई वो डाल देंगे इसके अंदर। जितनी भी बची हुई सूजी थी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भुनेंगे। देखिए हमारा भुनते भुनते कितना अच्छा हो गया ये हलवा। ऑरेंज कलर का भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी उसी के ऊपर जमाएंगे। पहले से हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो इस टाइम पे आप वो डालिएगा। ज़रूरी नहीं हमने बादाम डाले तो आप भी डालिए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा हलवा ऑरेंज कलर का और इसको भी इसी तरह से सेट कर देना है जैसे हमने पहले हलवे सेट किए थे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम जो हमने फ्राई किए थे। इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। और अब हम अपनी पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। हलवा तो हमने बना लिया है, अब हम अपनी पूरियों को फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे जल्दी जल्दी से हम इसके पेड़े बना लेते हैं और थोड़ा सा तेल लगा के और हम इसी तरह से सारी पूरियों को बेल लेंगे। देखिए हमने सारी पूरियों को इसी तरह से बेल लिया था। तिरंगा पूरियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया और थोड़ी थोड़ी करके हम एक एक करके पूरियों को फ्राई करेंगे। हमने वाइट कलर की पूरियाँ डाली हैं इसके अंदर, देखिए कितनी फूली फूली सी हो रही हैं पूरियाँ हमारी। सारी पूरियों को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमने उसमें से 2 पूरियाँ निकाल ली थी, हमारी लास्ट की पूरी बची है, इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ी सी पूरी कच्ची लग रही है,
इसके अंदर हम एक ऑरेंज कलर की पूरी डालेंगे और एक ग्रीन कलर की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अभी से। इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी पूरी अच्छे से फूल रही है। अब इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने हल्का ही रखा है, हल्की आंच पे हम बनाएंगे ताकि हमारी पूरियां बहुत अच्छा कलर आ जाए इसके अंदर। देखिए पूरियां बनके हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फूली फूली सी पूरियां बनी है और अच्छी भी लग रही है, खाने में भी टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। जो हमने हलवा बनाया था, अपना सेट करा था, उसको ना साइड से हमारे थोड़ा सा छुरी से ऐसे निकाल लेंगे। और इसको ऐसे ही हम ट्रे पे रख देंगे। और देखिए कितनी आसानी से हमारा केक बिल्कुल बाहर निकल चुका है हलवे का। आप इसको हलवे का केक भी कह सकते हैं।